बना बैठा, तुम्हारा और अर्जुन का युद्ध हो रहा, तुम्हारे
और मैं अर्जुन से कह रहा हूँ, हे अर्जुन, कांड की मृत्यु का समय निकट आ चुका है, वो रथ का पहिया निकाल दे, पुनः युद्ध करेगा, इससे बोर भी तो अपने प्राण घाती बाण उस पर छोड़ दो। वो निशस्त्र है केशव। तुम योद्धा अवश्य हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान दिव्य शास्त्रों के चमत्कार से भरा है। कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो सरकंडे के धनुष के बाण से भी अगर युद्ध करे तभी तुम उसे परास्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसका युद्ध कौशल अभ्यास से विकसित है। केशव, मैं जगहसी का पात्र बनूंगा। वो तो तुम पहले ही बन चुके जब द्युत क्रीड़ा में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे। तुम किस धर्म की बात कर रहे हो? उस धर्म की जहाँ सात महारथियों के प्रहार से एक निशस्त्र बालक सज्जित है, या उस धर्म जहाँ एक नग्न शिल्पी लज्जित नहीं है? यदि धर्म को मानने वाले लोगों पर अधर्म का सहारा लेकर वध किया जाए तो धर्म की सेवा होगी। तुम मेरे शत्रु हो, किंतु एक बाजी के रूप में मेरे लिए समान भी हो। तुम ये अपराध मत करो। ये युद्ध नियमों के विपरीत है, मुझे विषय धारण करने दो। देख क्या रहे हो अर्जुन, नियमों का पालन करना क्या पांडवों का ही कर्तव्य रह गया है? स्मरण करो, द्रौपदी के खुले के सात महारथ के तलवारों का प्रहार और पृथ्वी के गजों के नीचे दबा हुआ अभिमन्यु का ये क्या हो सकता है?
कि मैं पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूं। कौरवों को हराकर मैं हस्तिनापुर का सम्राट बनूंगा। मेरे जीवन के समस्त संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। राजमाता, जो लालसा लिए मैं जीवन भर लोगों से ध्वंस करता आया हूं, वो सब इस प्रस्ताव से एकदम भूल जाएंगे। किंतु कर्ण इतिहास में अपना नाम विश्वासघात की सूची में नहीं कराना चाहता। पर मैं चाहती हूँ मेरे पुत्र जीवित रहे। आपका पुत्र तो आपके लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन आपने मुझे चरमावती नदी में प्रवाहित किया था। मेरी माँ तो राधा है और माँ के रूप में आदेश देने का अधिकार सिर्फ उसी के पास है। एक कुंवारी स्त्री भला क्या करती, किसे कहती कि उसे ये पुत्र सूर्य देव से वरदान में मिला है। मुझ पर भला कौन विश्वास करता पुत्र। बड़े राजकुलों में सम्मान उनकी प्रतिष्ठा का विषय है, चाहे शिशु की बलि ही क्यों न चढ़ जाए। सारे समझौते, सारे संघर्ष हम निम्न जाति निम्न कुलों से ही। मेरे पास आने से पूर्व आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को बताकर आई हो कि वास्तविक सम्राट मैं हूं। नहीं पुत्र। तो जाओ राजमाता, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र से नहीं मिलने आई हो बल्कि अपने पुत्रों के प्राणों की भीख मांगने आई हो। मैं वचन देता हूं कि आपके पांचों पुत्र जीवित रहेंगे, केवल अर्जुन और कर्ण में से एक मारा जाएगा। मेरी विवशता तुम नहीं समझ पाओगे पुत्र। शायद तुम्हारी माँ राधा समझ सके। रंग भूमि से लेकर राजमहलों में तुम्हें देखकर बार बार मेरी ममता मेरी शत्रु बनकर खड़ी रही और मैं नागिन की भांति उसका गला घोटती आई। तो आज एक और ही उतार दो पुत्र। शिशु की भांति आकर मेरी गोद में सो जाओ पुत्र। दुर्योधन की नीतियों का समर्थन करना
कहीं से भी उचित कार्य नहीं है। अर्जुन के रथ पर तो एक ऐसा सारथी बैठा था जिसे महान सांख्य दर्शन गीता और महान तत्वों का ज्ञान था। मेरी शिक्षा भी तो चलन की थी। पुत्र काय, धनुर विद्या में लक्ष्य साधते समय अपने मन को एकाग्रचित रखो, अपने गुस्से को अपनी शक्ति बनाओ। मैं थक चुका हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग हैं जो मुझे निरुत्तर कर सके।
जंगा में बैठो। दे दी और युद्ध अपनी बुद्धि से किया।